हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक है लाइकोपोडियम का गोल्डन सिम्टम। वैसे लाइकोपोडियम पर हमने दो वीडियो बनाया है, पार्ट वन पार्ट टू, जिसका आज के डेट में व्यूज 12 लाख है। तो मैंने समझा कि लाइकोपोडियम का कुछ गोल्डन सिम्टम आपको बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक सिम्टम करके। तो इसका पहला सिम्टम क्या है कि जब हम पेशाब करते हैं, हैंड सपोर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, बस लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन मिले या न मिले। किसी किसी में क्या होता है कि पेशाब जो है करने के लिए, जैसे अभी हाल ही में बताए थे, एक दवाई एनागलिस स्पंज करना पड़ता है, ऐसे प्रेशर हाथ से प्रेशर देंगे तब पेशाब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये एनागलिस का पेशेंट है। इसमें क्या है कि जब आप पेशाब करते हैं तो एब्डोमेन को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है, उससे जो है पेशाब साफ निकलता है। तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 2 बार लगातार दीजिए। तो UTI की कोई भी प्रॉब्लम होगी, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर ये प्रॉब्लम है पेशाब करने के समय सपोर्ट करना पड़ता है, तो आप लाइकोपोडियम से आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका दूसरा गोल्डन सिम्टम है इनवॉलंटरी एंड ट्विस्टिंग। माने आदमी खड़ा हुआ है, अचानक से जो है टर्निंग ले लगा, माने सीधा खड़ा है, पीछे हो जाएगा। हमारा कैमरा छोटा सा है, नहीं तो आपको खड़ा होकर दिखाते हैं। खड़ा है, अचानक से टर्निंग लिया एंड ट्विस्टिंग। तो ऐसे पेशेंट को नर्व की कोई प्रॉब्लम हो, ओसीडी की कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट को भी लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 1 बार या कम से कम शुरू शुरू में 2 बार दीजिए। तो जो इनवॉलंटरी टर्निंग करता है, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि आप जब कभी बाहर जाते हैं, ट्रेन में, बस में, जहाज में बाहर जाते हैं, तो आपको उस समय 100% कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर घर से बाहर हैं, जब बाहर जाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 2 बार अपने पास कुछ दिन तक रखे रहें। आप बाहर जाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट गोभी नहीं खा सकता, कैबेज, जैसे थूजा का पेशेंट ओनियन नहीं खा सकता, इसी तरह से इसका पेशेंट जो है गोभी नहीं खा सकता, हर हाल में नुकसान करती है। तो ऐसे पेशेंट को भी जो कैबेज नहीं खा सकते हैं, गोभी नहीं खा सकते हैं, उनको जो है लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार दीजिए, कम से कम महीना में 4 बार, देखिए उनका जो है वो गोभी खाने लगेंगे, उनका कैबेज जो है डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि आँख से आधा दिखाई देना और माथा में हेमिक्रिनिया, माने आधा साइड में दर्द होना, आधा दिखाई देना और आधा साइड में दर्द होना, ये प्रॉब्लम टेंडेंसी बन गई है। आपकी इस प्रॉब्लम को लाइकोपोडियम ठीक कर देगी। लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 2 बार करके लगातार लीजिए, एक कम से कम 1 महीना, तो आपको जो आधा ही दिखाई देता है और सिर में आधा ही दर्द होता है, एक साइड में हेमिक्रिनिया है, आपकी यह प्रॉब्लम लाइकोपोडियम से हर आदमी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है महिलाओं के ऊपर है, जिनके जो है विशेषकर निपल्स में जब ब्लीडिंग होती है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द निपल्स, अगर निपल्स से ब्लीडिंग होती है विशेषकर फीमेल में, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाइकोपोडियम 200 पावर में सप्ताह में 2 बार लगातार दीजिए, तो उनका जो है ब्लीडिंग आराम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर ब्लड की बात आती है, हम हमेशा यही बोलते हैं कि जहाँ ब्लड की बात आए तब अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। लेकिन अगर निपल से ब्लीडिंग आ रहा है तो लाइकोपोडियम से ब्लीडिंग 1 बार ठीक हो जाएगा। लेकिन निपल से ब्लीडिंग क्यों आया, इसका जो है आप जाँच करा लीजिए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि मेंटल सिम्टम पर है। जब कोई पेशेंट अपने बचपन की पुरानी बात को याद करता है, तब उसको इतना भावुक हो जाता है, इतना इमोशनल हो जाता है कि वो रोने लगता है। तो परिजन परेशान होते हैं, क्या बात है, तो बोलता है कि ठीक है, हमको पुरानी घटना याद आ गई इसलिए हम रोने लगे। तो यह एक मेंटल सिम्टम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइकोपोडियम देना है। लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार रेगुलर देते रहिए, कम से कम 1 महीना में 4 खुराक, तब देखिए जो है उसको पुरानी घटना से जो रोना आता है, जो इमोशनल हो जाता है, ये प्रॉब्लम उसकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है पीरियोडिक वेजाइनल डिस्चार्ज। बस इतना ही सिम्टम है, एक लाइन पर आप दवाई सिलेक्ट करते हैं, पीरियोडिक वेजाइनल डिस्चार्ज, माने एक पीरियड से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो चाहे लिक्विडिया का डिस्चार्ज हो, चाहे पीरियड का डिस्चार्ज हो। तो अगर वो पीरियोडिक आ रहा है, हमेशा एग्जैक्ट एक टाइम से आ रहा है, और लेडीज पेशेंट परेशान हो गई हैं अपने वेजाइनल डिस्चार्ज से, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए, आपका जो पीरियोडिक वेजाइनल डिस्चार्ज आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला
और अंतिम गोल्डन सिम्टम यह है कि फीवर जो है हर 7 दिन पर आ जाता है, तो हर 7 दिन पर आपको बुखार आता है। संडे को आता है तो आप समझ जाएंगे कि हर संडे को बुखार आ रहा है, फिर अगला संडे को ही बुखार आएगा और बुखार उतर भी जाएगा, लेकिन संडे को बुखार आना ही आना है 7 दिन पर। तो ऐसे केस में भी आप लाइकोपोडियम 200 पावर में हफ्ता में एक बार लीजिए, देखिए आपका जो है साप्ताहिक बुखार जो सप्ताह में एक बार आता है ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको बुखार आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइकोपोडियम का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, नमस्कार।